हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। चार मौके जब WWE में रेफरी को मैच बीच में रोकते हुए खत्म करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, WWE हो या दुनिया का कोई अन्य प्रो रेसलिंग प्रमोशन, वहाँ मैचों में रेफरी बहुत अहम भूमिका निभाता है। रेफरी केवल काउंट करने के तरीके से किसी मैच में रोमांच भर सकता है और एक मैच ऑफिशियल होने के नाते रेफरी स्थिति के अनुसार किसी मैच को बीच में रोक सकता है। ऐसे कई मौके रहे हैं जब किसी रेसलर द्वारा अपने विरोधी पर खतरनाक अटैक करने या किसी अन्य कारण से रेफरी ने मैच को रोक दिया था। इसलिए इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन चार मौकों के बारे में जब रेफरी ने मैच को बीच में रोक दिया। बॉबी लेसले वर्सेस गोल्डबर्ग, WWE SummerSlam 2021। जी हाँ दोस्तों, बॉबी लेसले मार्च 2021 में अपने कैरियर में पहली बार WWE चैंपियन बने थे और उन्होंने मनी इन द बैंक 2021 में कॉफी किंगस्टन को हराकर अपने टाइटल को डिफेंड किया था। उससे अगले रॉ एपिसोड में गोल्डबर्ग ने वापसी कर द ऑलमाइटी को लेकर मैच के लिए चैलेंज किया और आखिरकार उनकी भिड़ंत को उसी साल SummerSlam के बीच बुक किया गया। ये मैच 7 मिनट से ज़्यादा देर तक चला, जिसके दौरान लेसले ने गोल्डबर्ग को कंधे पर उठाकर रिंग पोस्ट पर दे मारा था। इसके प्रभाव से दिग्गज रेसलर का घुटना चोटिल हो गया था, जिसके कारण वो मैच को जारी नहीं रख पाए। इस वजह से रेफरी ने मैच को रोक कर लेसले को विजेता घोषित कर दिया। सेट रॉलिंग वर्सेस द मिज, 20 फरवरी 2023 रॉ। जी हाँ दोस्तों, 2023 में फरवरी महीने के एक रॉ एपिसोड में सेट रॉलिंग और द मिज के बीच जबरदस्त बहस हुई थी, इसलिए उससे अगले हफ्ते उनका सिंगल्स मैच बुक किया गया था। 20 फरवरी 2023 के लिए रॉ एपिसोड के दोनों का जबरदस्त मैच हुआ, जिसकी शुरुआत में मिज ने रॉलिंस को कड़ी टक्कर दी, लेकिन कुछ देर बाद मुकाबले को रॉलिंस ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। इस बीच रॉलिंस ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मिज को 3 बार स्टॉम्प मूव लगाकर धराशायी कर दिया था। तीसरे स्टॉम्प मूव के बाद मिज के लिए खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए रेफरी को मजबूरन मैच को समाप्त घोषित करना। केविन ओवेंस वर्सेस सैमी जेन, NXT। जी हाँ दोस्तों, ये बात जग जाहिर है कि केविन ओवेंस और सैमी जेन रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं, लेकिन उन्होंने कई बार रिंग एक दूसरे के का पीट पीट कर इतना बुरा हाल किया है कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो दोस्त हो सकते हैं। उनके बीच ऐसा ही खतरनाक मैच NXT टॉकीवर रिवल 2015 में हुआ। आपको याद दिला दें, इस मुकाबले में जैन को ओवेंस के खिलाफ अपनी NXT चैंपियनशिप को डिफेंड करना था। 23 मिनट तक चले इस मैच में एक समय पर ओवेंस ने जैन पर 2 पावर बॉम्ब लगाए, इसके बावजूद द परफेक्शनिस्ट ने किक आउट कर दिया था। वहीं जब ओवेंस 3रा पावर बॉम्ब लगाने गए तो रेफरी ने मैच को समाप्त करते हुए ओवेंस को नया चैंपियन घोषित किया। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन, SummerSlam 2016। रैंडी ऑर्टन ने कंधे की चोट से उबरने के बाद जुलाई 2016 में वापसी की थी और उस समय ऐलान किया था कि WWE SummerSlam 2016 में उनका सामना ब्रॉक लेसनर से होगा। दोनों प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के महान रेसलर रहे हैं, इसलिए फैंस इस मैच को देखने के लिए उत्साहित थे। उनका यह मैच 11 मिनट से भी ज़्यादा देर तक चला, जिसमें एक मौके पर द बीस्ट ने अपने विरोधी पर खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई एल्बो स्ट्राइक लगाते हुए ऑर्टन के सिर को चोटिल कर दिया, जिससे खून भी बहने लगा था। इसी के चलते रेफरी ने मैच को समाप्त किया और लेसनर को टेक्निकल नॉकआउट से विजेता घोषित किया। जी हाँ दोस्तों, WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।